नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। कल हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल टिप्स होते हैं। आज उसके दूसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट हिंट्स थे, ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थे, ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कल इसका आधा किया था और आज आपके सामने उसका दूसरा और अंतिम पार्ट पेश करूंगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड करके इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस जो भी करते हैं अपने, अगर फिजिशियन है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, आप सबके लिए काम देगा। और आमतौर पर एक इंसान किसी को, अगर घर वालों को और किसी मतलब दूसरे लोगों को अगर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना चाहता है, तो ये पॉइंट्स आपको पूरी मदद करेगी सुइटेबल रेमेडी की सिलेक्शन करने में। मैं जब रेमेडी की बात करता हूँ तो मेडिसिन और रेमेडी में क्या डिफरेंस है, ये मैंने पहले भी बता दिया था कि मेडिसिन होता है जो कि मेडिसिनल, उसमें जो पावर्स होती है, रोग को क्रिएट करने की जो शक्ति होती है, वो दैट इज कॉल्ड मेडिसिनल पावर्स। जो रेमेडी की बात हम कर रहे हैं, वो रेमेडी का मतलब है कोई मेडिसिन अगर किसी इंसान के लिए स्पेसिफिक हो और उसकी बीमारियों को ठीक करे, दैट इज कॉल्ड रेमेडी फॉर दैट पर्सन। तो रेमेडी को चूज करने के लिए आपको जरूरत होती है केस टेकिंग की, और उसके साथ साथ एक कॉमन अनकमन पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की। तो जहां पर अनकमन पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात आती है, मेटेरियल मेडिकल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखा होता है जो आपको डिटेक्ट कर पाना, याद रख पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका कुछ खास पॉइंट को निकाल कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पिकुलर सिम्टम्स फटक से याद रह जाए, और कभी भी इस तरह के केस अगर केस एनालिसिस के दौरान आपके सामने आए और वो पेशेंट आपके सामने ये बयां करे कि इस तरह का सिम्टम मुझे है, फलाना फलाना सिम्टम है मुझे, तो आप फटाक से आपको याद आ जाएगा कि अरे चलो ये सिम्टम्स उस रेमेडी को इंडिकेट करता है, आप उसको पहले दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट प्रेस्क्रिप्शन। और ये आमतौर पर क्लिनिकल टिप्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई अगर एक्यूट केस में आए, उसके साथ साथ कोई भी क्रॉनिक केस में हम एंटीमायोजमेटिक रेमेडी देने के साथ साथ ये रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज इंटरकरेंट रेमेडी। तो कल हमने बात की थी जहां से, आज उसके अगले हिस्से से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लूंगा कि पेन इन डिस्टेंस प्लस इन कफ, खांसते वक्त डिस्टेंस प्लस में दर्द होना। देखिए, ऐसा अनकमन चीज होती है, बहुत सारे रेयर सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार सर, मैं जब खांसता हूँ ना, मेरे हाथ और पैरों में दर्द होता है। एक पैरों में पर्टिकुलर एक नस होती है जहां पर दर्द होता है, या फिर मैं जब खांसता हूँ ना तो मेरे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, या फिर जब मैं खांसता हूँ तो मेरे घुटनों के बगल में पेन होता है। ऐसा कभी कभी बहुत ज़रा जगह पर देखा जाता है कि जब खांसते हैं ना, दूसरे डिस्टेंस प्लेसेस में, छाती में जो तकलीफ होना ये तो आम बात हो चुकी है, लेकिन डिस्टेंस प्लेसेस में, एक्सट्रीमिटीज हो, कहीं भी हो, गला हो, गर्दन हो, कहीं भी दूर की जगह पर खांसते में, दूर डिस्टेंस प्लेसेस में अगर हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक रहता है कैप्सिकम। कैप्सिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप पोटेंसी वही जितना भी मैं रेमेडी बताऊंगा, अगर एक्यूट है तो 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, बाद में 200 कीजिए। अगर क्रॉनिक है, नोजोड है, तो आप उसको 200 में हर 15 दिन में एक एक डोज एज ए इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, कैन नेवर ब्रेथ बेटर ऑन स्टैंडिंग ओनली, ब्रेथ बेटर ऑन स्टैंडिंग ओनली, खड़े रहने पर ही वो सांस अच्छी तरह ले पाता है। तो उसके लिए कैनाबिस सैटिवा करके एक मेडिसिन आता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, और ये बहुत ही पिकुलर सिम्टम होता है, आपको केस एनालिसिस के दौरान बहुत ही मदद करेगा। फील्स रिलीफ इन आस्थमा व्हाइल मूविंग, मूवमेंट करते समय आस्थमा में रिलीफ आना बहुत ही अनकॉमन और पिकुलर सिम्टम है, क्योंकि आस्थमेटिक कंडीशन जिनको होती है, वो मूवमेंट करे तो उनका आस्थमा जो टेंडेंसी होता है वो और भी बढ़ जाता है, हाफना, वो जो भी डिस्निया, वो ब्रेथलेसनेस और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर फील रिलीफ उनको अच्छा लगता है आस्थमेटिक कंडीशन में, तो वहाँ पर सेपिया बहुत ही बढ़िया काम देता है। और फील रिलीफ इन हैंगिंग द लेग्स, कहीं पर भी बैठे हों, पैरों को कुछ लोग देखते होंगे पैरों को ऐसे हिलाते हैं, पैर उनका जमीन पर टच नहीं करता, लेकिन या तो उसको हैंगिंग करके थोड़ा हिलाते हैं, या फिर इधर उधर करके पैरों को साइड वाइज भी हिलाते हैं। तो उस तरह के कंडीशन में उनके जो पैरों में दर्द होता है उसमें थोड़ा रिलीफ आता है। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम होता है कॉर्नियम मैक का। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहीं भी बैठे हैं तो ऐसे पैरों को हिलाते रहते हैं। अरे उनको पूछो तो क्यों हिला रहे पैर, ज़्यादातर मना करते हैं, अरे बड़ों के सामने ऐसे पैर नहीं हिलाना है।
तो उनको पूछो तो बोलते हैं सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, पैरों को हिलाने से मुझे अच्छा फील होता है, जो भी मेरे पैरों में तकलीफ होता है या कोई भी घुटनों में जोड़ों में तकलीफ होता है तो मुझे अच्छा फील होता है। तो उसके लिए कॉर्नियम मैक बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, फील्स अनकंफर्टेबल बाय हैंगिंग लेग्स। दूसरा उसका ऑपोजिट है, वो जब हैंग करेंगे पैरों को उठा कर रखेंगे थोड़ी जमीन के थोड़ी हाइट पे हैंग करके, तो उनका तकलीफ और बढ़ जाती है। तो ये पल्सेटिला का खास लक्षण होता है, पैरों को जमीन पर रखेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा उठा कर रखेंगे वो ऊपर तो उनका तकलीफ और भी बढ़ जाती है। घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, हील पेन भी पल्सेटिला में वो बढ़ जाता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, स्वालोस फ्रिक्वेंटली, बार बार अपने जो सलाइवा होता है उसको निगलते रहते हैं, बार बार निगलते रहते हैं, बार बार वो ज़्यादा इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि बार बार उसको निगलते रहते हैं। ये दो मेडिसिन इसके स्पेसिफिक है, एस्कुलस एंड स्टाफिसाग्रिया। कभी भी इस तरह के कंडीशन हो तो आप उनको एज ए एंटर करेंट रेमेडी एस्कुलस या स्टाफिसाग्रिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। पेट इतना पीछे लग जाता है को लगभग पीठ को टच करता है, ऐसे डाउनवर्ड सेमी सर्कुलर के पोजीशन में आ जाता है। तो उस जैसे कंडीशन को प्लम्बम मेटेलिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। वहां पर एक सिम्टम खास है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा मेटर रेमेडी का तो जान रहे होंगे कि पैट को पूरा अंदर तक खींच आता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा पेशेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि सर कोई पेट को मेरे अंदर से खींच रहा है और वो पेट पूरा अंदर जाकर पीठ तक लग जाता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आस्थमेटिक कंडीशन कहो, लीड पॉइजनिंग कहो, हैवी गैस्ट्राइटिस को, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इस सब केसेस में बहुत ही बढ़िया काम देती है प्लम्बम मेटेलिकम। बोट शेप्ड मतलब पेट पूरा ऐसे सेमी सर्कुलर होकर पूरा नीचे दब गया हो, तो उसको प्लम्बम मेटेलिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। वर्सन वाइन हॉट बाथ, गर्म पानी में नहाने से उनका कंडीशन और भी बढ़ जाता है। एपिस और ओपियम ये दोनों स्पेसिफिक मेडिसिन में काम करता है। आमतौर पर आप जब मोडालिटीज केस टेकिंग के दौरान मोडालिसिस की बात करेंगे तो आप पूछेंगे कि गर्म पानी ठंडा पानी आपको क्या अच्छा लगता है, पेशेंट बोलेगा सर मैं गर्म पानी से नहाता हूँ तो मेरा कंडीशन और बढ़ जाता है, ठंडे पानी से नहाता हूँ तो मुझे फील बेटर होता है। तो उसके लिए एपिस और ओपियम दो स्पेसिफिक मेडिसिन है। बाइल स्टॉन्ग फ्रिक्वेंटली, ऐसे बात करते करते खाना खाते खाते बहुत सारे लोग ऐसे होता है अपनी जीभ को दांतों तले दब जाता है और उसको इंजोर्ड हो जाता है। बहुत सारा बातें करते करते कहीं पर भी बैठे हो नॉर्मली, किसी ने कुछ से पूछा तो तुरंत बात कर लिया और दोनों दांतों के बीच आ गया वो टंग आ गया और वो कट जाता है। इस तरह के कंडीशन के लिए थेरिडियन करके एक मेडिसिन आता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है थेरिडियन। ड्राउजिंग वेक्स ऑल नाइट, दिन भर पूरा ऐसे घुमाता रहता है पूरा, मतलब ड्राउजी फील करता है, आंखें लग जाती है, सोना पसंद करता है, ड्राउजीनेस फील होता है उसे, आलसीपन फील होता है और रात को भर जगता रहता है, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। तो ये स्पेसिफिक लक्षण होता है सल्फर का। ये बेसिकली एक आर्टिसोरिक रेमेडी है, तो आपको इसको एक महीने में एक एक डोज करके दे सकते हैं, 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं देना, तो ये उसके टेंडेंसी को ख़त्म करेगा। क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ होता है ना, रात भर जागते रहते हैं और दिन भर उनको ड्राउजी फील होता है, ये एक सोरिक माइज़म का लक्षण होता है, तो इसीलिए इसको एंटीसोरिक रेमेडी देंगे तो वो पूरा जड़ से खत्म होता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, और हेडेक इफ डिले इन यूरिन, उनको जोर से यूरिन लगता है अगर डिले हो जाए उसमें कहीं पर आप मीटिंग में बसे फंसे हुए हो, या फिर जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में कहा कि जो लोग शोकेस को देखकर मार्केटिंग प्लेसेस में होते हैं या फिर दुकान में होते हैं, ज्वेलरी के दुकान में या फिर ऐसे कोई जूते की दुकान में जो भी सेल्समैन होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खतरा पैदा करता है। मतलब उनको अगर यूरिन में जाने में देर हो जाए और जो कस्टमर है उनका मतलब सर खाए तो उस वक्त उनका सर दर्द और भी बढ़ जाता है। तो इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड, बहुत ही बढ़िया काम करता है। 200 में एक डोज दे सकते हैं या फिर 30 में 2-3 डोजेस दे सकते हैं। हेडेक इफ डिलेस मील्स इन टाइम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपर टाइम पे अगर खाना ना खाएं तो उनको सर दर्द बढ़ जाता है। मेरा भी पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा होता था, तो मैंने भी जो मेडिसिन लिया था वो लाइकोपोडियम लिया था, इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। खाना प्रॉपर टाइम पे अगर आप ना खाएं तो सर दर्द होने लग जाता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैंने तो 200 का 2 डोज लिया और 2-3 दिन तक थोड़ा रहा लेकिन उसके बाद पूरा खत्म हो गया। अगला जो पॉइंट है, मैन इंडिफरेंट टू फैमिली, मैन इंडिफरेंट मतलब पुरुष आदमी जो होता है वो अपने घर वालों के ऊपर कोई केयर नहीं करता। अरे कोई किस कोई भी जाए, कोई कुछ भी करे, बच्चा खाया ना खाया, स्कूल गया कुछ भी नहीं, कॉलेज गया कुछ नहीं पूछते,
ऐसे पुरुष लोग बहुत होते हैं जो अपने घर वालों की कोई कदर नहीं करते, नो केयर एट ऑल, तो उनके लिए फ्लोरिक एसिड बहुत ही बढ़िया काम करती है। और अगर यही चीज़ किसी वुमेन में होती है, कोई महिलाओं में होती है, तो सेपिया बहुत ही बढ़िया काम करती है। एक महिला अपने घर वालों के हस्बैंड का ना बच्चों का किसी को केयर नहीं करती, कोई कुछ भी करे, कहीं पर जाए, कोई उसका देखभाल नहीं करती, डोंट केयर एनीथिंग, तो ये अगर महिलाओं में होती है तो सेपिया बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगला जो पॉइंट है, बेबी क्राइज ऑल द डे स्लीप ऑल द नाइट, बेबी दिन भर रोती रहती है और रात को जागती रहती है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही बढ़िया इसका मेडिसिन है, आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया काम करेगा। उसका ठीक अपोजिट है, बेबी स्लीप्स ऑल द डे, दिन भर सोती रहती है और क्राइस ऑल नाइट, रात भर रोएगी, मतलब परेशान कर देगी जो अपने माता पिता को, उनके लिए जालापा करके एक मेडिसिन आता है, जालापा बहुत ही बढ़िया काम करती है। और लाइकोपोडियम बेबी क्राइस ऑल द डे, दिन भर रोती रहती है, रात को शांति से सोती है, तो लाइकोपोडियम वाले जो मेडिसिन है बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। इस तरह के बच्चे अपने माँ बाप को ज़्यादा परेशान नहीं करते, थोड़ा परेशान करते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, लाइकोपोडियम दीजिए शांत हो जाएंगे। लेकिन जालापा वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं, रात भर जागते और रोते रहते हैं, दिन भर थोड़े सो जाते हैं। और हेडेक रिलीफ बाय ईटिंग, सर दर्द हो रहा है, खाना खाएंगे उसको रिलीफ मिल जाएगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। सोराइनम, आयोडोम और स्टाफिसग्रिया, ये तीन उसके खास मेडिसिन है, हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग समथिंग। तो सोराइनम, स्टाफिसग्रिया और आयोडियम, ये तीन उसके स्पेसिफिक जो मेडिसिन होते हैं, और तीनों ही डिफेक्टिंग मेडिसिन है, आप इसके 15 दिन एक महीने में 200 का एक एक डोज दे सकते हैं। और रिलीफ बाय हॉट बाथ, नहाने से, गर्म पानी से नहाने से उनको अच्छा लगता है, रोस्टॉक्स और मैकफॉक्स, ये दोनों स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं। रिलीफ फ्रॉम फास्टिंग, जो उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, उनका बहुत ही रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, कुछ भी खाना खा लो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उपवास रह लो, खाली पेट रह लो, उनको अच्छा लगता है। नेट्रोम्योर और कोनियोमैक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है इसका, कभी भी आपको इस तरह का टेस्टिंग के दौरान कोई सिम्टम्स मिले तो बिल्कुल यूज करिएगा। ब्रेथ फील्स कोल्ड, सिस्टोस करके एक मेडिसिन आता है, जब पेशेंट सांस लेता है उसको बोलता है कि ठंड लग रही है, ऐसे मानो ठंडी सांस ले रहा, आप पास हाथ रखेंगे भी तो ठंडी सांस आएगी, तो सिस्टोस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और फॉरगेटफुल बट ड्रीम्स आर रिमेम्बर्ड वेल, आमतौर पर कोई भी चीजें भूल जाता है पेशेंट, लेकिन उस सपने में उसने क्या देखा है उसको याद रहती है, ये अनकॉमन पिकुलियर हुआ। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि दिन भर याद तो अच्छी रहती है जब वो जागने वाले जो भी काम है, लेकिन सपने में हम क्या देखते हैं, हम भूल जाते हैं उठते हैं, लेकिन इस पेशेंट को उसका ठीक उल्टा होता है। और क्योंकि ये ऑपोजिट कंडीशन होता है, इग्नेशिया बहुत ही बढ़िया काम देता है, सपने में क्या देखा उसको याद रहता है, लेकिन दिन भर में वो सब किया हुआ भूल जाता है, इग्नेशिया बहुत ही बढ़िया काम करता है। माइंड कंडीशन में 200 का एक या दो डोजेस या फिर 1 एम का एक डोज बढ़िया रहेगा। बॉडी टेंस टू फैटनेस, लगता है कि पेशेंट को बॉडी पूरा फूल जाता है, फूला हुआ होता है, स्वेलिंग हो जाता है, कैल्केरा कार्ब और ग्राफाइटिस दोनों का स्पेसिफिक मेडिसिन है। चाइल्ड इज अनेबल टू डाइजेस्ट मदर्स मिल्क, बच्चे जो अपने माता की जो दूध होती है, माता का दूध होती है, उसको डाइजेस्ट कर पाना उसके मुश्किल हो जाता है, तो मदर्स मिल्क को वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है साइलिशिया, 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार करके 5 से 7 दिन दे सकते हैं या फिर 200 का एक डोज दे सकते हैं। और क्राइस स्लाइटेस्ट कॉज, छोटी सी बातों में बच्चे रो देते हैं या फिर बड़े भी, कुछ भी ऐसा छोटा सा कारण हुआ और तुरंत रो देती हैं। कॉस्टिकम नेट्रोमेर उसका स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं और यह आमतौर पर बहुत सारे जगह पर होती है। और मुझे आज सुबह एक कॉल आया था और मुझे पेशेंट ने कॉल किया था, शायद USA से था कॉल, और उन्होंने मुझे मेडिसिन पूछा, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे कहा सर कि इसका मैंने इतनी जगह पर मैंने दिखाया नहीं हुआ है, एलोपैथिक के कितने सारे मेडिसिन मैंने ले लिए, तो कुछ बताया, मैं बोला नहीं ठीक हो जाएगा होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में ठीक नहीं होता, होम्योपैथिक में एक कंडीशन ठीक हो जाएगा, तो तुरंत उन्होंने रो दिया, कहा सर आप क्यों नहीं मिले पहले, और एलोपैथिक इतना सारा मैंने खर्चा कर दिया, और USA में तो होम्योपैथी का कोई फैसिलिटीज नहीं है, तुरंत रो दिया उन्होंने। तो इस तरह का कंडीशन आमतौर पर जो होता है कॉस्टिकम और नेट्रोमियर में बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पर वो देती है। और पर्सन ऑफ शॉर्ट नेक, कुछ लोगों ने अब देखा होगा पर्सन, उनका जो गला होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नज़र नहीं आता, कुछ लोगों का गला जो होता है थोड़ा लंबा होता है, तो छोटे गले वालों को काली बेकरी कम बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, काली बीच, और जो लंबा नेक होता है उनके लिए नेट्रोमियर बहुत ही बढ़िया काम करती है।
तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं आपको केस टेकिंग के दौरान बहुत ही मदद करेगी। अगला पॉइंट लेते हैं, ऑलवेज स्टेयर्स विद द सिकनेस। मतलब उनका जो देखना होता है, मतलब आप कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे भाई बीमार हो क्या, तो ये सिकुटा बहुत ही बढ़िया काम रहता है। सिकुटा फिरोसा करके मेडिसिन आता है, बहुत बढ़िया काम करता है। यूरिन 6 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ हिज ड्रिंक्स, जितना पानी पीता है उसका 6 गुना उसको यूरिन आता है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिनमें डायबिटीज इतना नहीं होता, लेकिन जितना पानी पीता उसका 6 गुना 5 गुना 10 गुना उनको यूरिन आएगा, तो बार बार जाना पड़ता है उनको। तो इस तरह के लिए म्यूरेटिक एसिड बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, आप इनको दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। पल्स फास्टर देन नॉर्मली एक्सपेक्टेड, जितनी पल्स होनी चाहिए, कोई इंसान बैठा भी है तो उसका पल्स इस तरह चाहेगा कि जैसे कि माने वो दौड़ रहा है। तो लिलियम टिग्रिनम और पायरोजिनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लिलियम टिग्रिनम और पायरोजिनम दो स्पेसिफिक मेडिसिन है। फील चिली एट डिनर, खाते समय उनको ठंड लगती है, स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पाइजेलिया का बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, याद रखिए, खाने के समय उन्हें ठंड लगती है। पल्स टू स्लो देन एक्सपेक्टेड, ठीक उसका ऑपोजिट है, जो पल्स फास्ट हुआ था लिलियम और पायरोजिनम का, जितना पल्स होना चाहिए उससे बहुत ही कम होके आता है। तो ये काल्मिया और डिजिटलिस का लक्षण होता है, क्योंकि आमतौर पर अगर हार्ट का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता तो पल्स बहुत ही स्लो आता है। बेड ब्रेथ के लिए 3 स्पेसिफिक मेडिसिन है, आर्निका, मैक्सोल एंड कैलिफोस। बात करते तो आसपास के लोग मतलब छोड़ के चले जाते हैं बेड ब्रेथ के कारण। आर्निका, मैक्सोल एंड कैलिफोस 3 स्पेसिफिक मेडिसिन है। एंड रैश अपीयरिंग ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान उनको रैशेस होती रहती है, थोड़े थोड़े दाने दाने लाल लाल निकल जाते हैं और इचिंग बहुत होती है। तो इस तरह के कंडीशन के लिए डलकामेरा एंड ग्राफाइटिस 2 स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं। अगला है फियर ऑफ पिंस एंड को दिख जाए तो मतलब उनका तो दिमाग खराब हो जाता है, और कंडीशन बहुत ही खराब हो जाए डर लगने लग जाता है, अरे कहीं ये पिन मुझे चुभ ना जाए, मेरे साथ में ये फोड़ी ना हो जाए, तो इस तरह का जो कंडीशन उनमें भय पैदा हो जाता है। पिंस और निडल्स के लिए 2 स्पेसिफिक मेडिसिन है, स्पाइजेलिया एंड साइलिशिया। पिंस एंड निडल्स कहीं भी देखो उनका पूरा भय होता है, एंजाइटी फियर होता है उनके पिंस और निडल्स के ऊपर। अनकवर्ड ड्यूरिंग चिल, ठंडी का तो अनकवर कर देते, मतलब मुझे ठंड लग रहा है फिर भी मैं अपने कपड़े उतार के वो बैठते हैं, तो इस तरह का जो अनकॉमन सिम्टम है, तो उसके लिए इग्निशिया बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फ्रिक्वेंट विंकिंग ऑफ द आइज, बार बार अपने आंखों को पलक झपका झपकाते रहते हैं, जो बोलते हैं ना एक हैबिट होती है, कुछ लोगों में हैबिट होती है, तो उस तरह का हैबिट के लिए भी थोड़ा थोड़ा काम करती है। पर्टिकुलर सिम्टम है मेडिसिन का स्टाफिस एग्रिया करके, जो बार बार अपने आंखों को ऐसे पलकों को झपकाते रहते हैं। आमतौर पर ये एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है कि ड्राईनेस को आंखों को कम करने के लिए ये पलकों का जो झपकना होता है, या फिर कोई ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो आंखों का पलक ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाती है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं हैबिचुअली ऐसे बार बार करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होता है स्टाफिस एग्रिया। इसको भी 200 या 1 ml में आप दे सकते हैं, 1 या 2 डोजेस करके, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो ये हुआ कुछ खास पर्टिकुलर सिम्टम्स जो कि मैंने आपके सामने पेश किया, इसीलिए क्योंकि ये जो मेरे हमने क्लिनिकल टिप्स में सीखा था, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको रिपोर्टरी में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ खास जो मैंने आपको बताया ये आपके रोज क्लिनिक में आ सकते हैं। वैसे तो रिपोर्टरी में हजारों ऐसे टिप्स है, लेकिन अगर ये टिप्स, इतने ही टिप्स आप याद रख लेंगे तो मोस्टली कभी भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आए आपके क्लिनिक में, कभी भी आपके सामने केस टेकिंग के दौरान केस आए, तो बिल्कुल आपको झट से उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं आपको मेडिसिन के सिलेक्शन करने में बहुत ही मदद करती है, तो इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ज़रूर आपके काम में आएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोज़।